सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी दिन में के 12 बजने वाले हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की साइड को। कल मैं आई हुई थी अपने भैया लोगों के रूम में, तो हम लोग अभी तक घर नहीं गए हुए हैं क्योंकि सुबह के टाइम पर इन लोगों का काम हो गया था, थोड़ा इधर उधर जाना हो गया था, तो फिर उसके बाद हम लोगों को मार्केट जाने में थोड़ा लेट हो गई। तो अभी हम लोग सामान लेने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है वेदू का और गुन्नू का भी, और मैं आईब्रो बना के आऊँगी वहाँ मार्केट में ही बना लूँगी, उसके बाद मैं घर को चले जाऊँगी। चाची की तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, चाची बोली है मैं नहीं आती हूँ करके आज, और मेरी बहन का कुछ सामान आना बाकी है तो वो कल को जब सामान वामान आ जाएगा तो वो सामान ले कर ही वो लोग आएँगे घर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चार के चार जा रहे हैं, मैं वेदू गुन्नू और मेरी बहन पता नहीं कहाँ रह गई पीछे। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, अभी मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अपने आप ले लिए यार, यही तो है फिर। तो दिन में के 2:30 बजने वाले हैं और अभी हम लोग अपने घर की गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा देर हो गई थी मार्केट में, सामान तो बहुत कम मिला जो हम लोगों ने लेना था गुन्नू के लिए, ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, खाली उसके सैंडल ही हम ले पाए और वेदू के लिए थोड़ा बहुत कपड़े लिए। तो मैंने आईब्रो भी नहीं बनाई और जल्दीबाजी में फिर हम लोग घर कमरे में गए। कमरे में जाने के बाद वापस हम लोग यहाँ आए और अभी हम लोग जाने लगे हैं अब घर की तरफ को। तो गाड़ी वाले से बात कर रखी है, पीछे चाची है और गुन्नू है और वेदू, तो चाची को भी मैं ले आई ज़बरदस्ती करके। और जो दूसरी वाली चाची है मेरी, उनकी मम्मी भी आई हुई थी, हम लोग उनके साथ भी नहीं बैठ पाए क्योंकि उनके बेटे की शादी होने वाली है ना, तो वो अपने लिए शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए आई हुई है। तो मैंने उनको बोला अब हम लोग सीधे शादी में मिलेंगे करके। तो अभी जल्दीबाजी में हम लोग घर को जा रहे हैं, देखते हैं गाड़ी वाला कब तक आता है, फिर आप लोगों को मिलेंगे थोड़ी देर बाद। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों हम लोग आ गए थे वहाँ से 3 बजे के करीब और अभी 4 बज रखे हैं। हम लोग अभी आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ का नाम है ओखल ढूँगा और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए, मतलब गाड़ी वाले रुके हैं तो हम लोग भी रुके हैं, और चाची लोग तो गए हुए हैं बाहर। मेरी गोद में वेदू सोई हुई थी इसलिए मैं बाहर नहीं गई, और अभी शायद 1.5 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। तो और गाड़ी में सीट भी नहीं थी ना, तो हम लोग पीछे साइड ही बैठ गए। मैंने चाची लोगों को आगे बैठा दिया क्योंकि उनको उल्टी होती है, तो मैंने कहा तुम लोग आगे बैठ जाओ और मैं पीछे ही बैठ जाऊंगी। और वेदिका मैडम तो सो ही रखी हैं अभी। क्या कह रही है चाची? पहले छोटी आमा आ रही है, प्रणाम। अभी चाची तो नीचे ही है, आज तो आमा को पहली बार आते हुए दिखे हैं। प्रणाम, बढ़िया आई है, कहते हैं बीमार आए हैं नीचे। प्रणाम, ठीक हो? अभी तो आ रहे हैं हम लोग चाची नीचे। नीचे ताई जी का फोन आ गया था कोई। प्रणाम, ये छन्नी उठा लाई नानी। अरे अरे, मैंने कहा कुछ उठा लाई। अच्छा, आप नहीं आ रहे? नाना जी पूछ, आप कब आओगे पूछ घर को। आओ यार, कहते चलो। उन्होंने नीचे मामे प्रणाम का जिससे कह रही थी प्रणाम को करके मैं। वाओ, कितने अच्छे फूल हुए हैं देखो जरा। हाँ, वहाँ भी अच्छे अच्छे हुए थे, कितने प्यारे लग रहे फूल।
चलो पापा मम्मी ताई कोई नहीं है हम। कभी धड़का नहीं था ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें मुझे बुला रहे हैं दोस्तों। घर पहुंचे हुए मुझे हो गया है आधा घंटा और अभी मैं जा रही हूँ अब बगल वाली चाची लोगों के यहाँ जहाँ कल से शादी के कार्यक्रम स्टार्ट हैं। तो आज भी मम्मी लोगों का खाना वहीं है तो मैंने सोचा कि मम्मी लोग वहाँ गए हुए हैं तो मैं भी वहीं चल जाती हूँ अभी। और पहले ही मैं अपनी दुकान में आई, उसके बाद मैं अपनी दीदी के वहाँ गई और दीदी के यहाँ मैंने आईब्रो बनाई। थोड़ा बहुत आपको चेंज लग रहा होगा मेरा चेहरा, तो वो सारे काम करने के बाद फिर मैं आई घर। अभी मैं जा रही हूँ बगल में चाची लोग के यहाँ, आप लोगों को भी ले चलती हूँ उनके घर को, देखते हैं। आज तो सब नया नया लगेगा क्योंकि सब नया नया बना है। इस साइड को थोड़ा अंधेरा अंधेरा हुआ है, ये तीर वाले बुबू लोगों का घर है, जो फ्रंट साइड उनका इधर साइड को है, तो ये बैक साइड का है घर। और यहाँ पर हमारा गाय वाय बांधने वाला है, अभी तो अंधेरा हो रखा है इसलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। ये सामने रहा चाचा लोगों का घर जहाँ अभी तैयारियाँ चल रही हैं। ये हमारी खेत में नीचे टेंट लगने की तैयारी चल रही है शायद, तो आगे से थोड़े बहुत मेहमान जाने में लगे हैं तो अभी वहीं जाके दिखाती हूँ। अब देखो क्या फर्स्ट क्लास घर बन चुका है, पिछली बार आई थी सब अलग था, आज देखो जरा सब लग रहा कहाँ आ रही हूँ करके, सब बदला बदला सा लग रहा है। अरे वाह बहुत प्यारा लग रहा है यार यहाँ। ऐसा लग रहा है रीठा नहीं है कहीं और ही आई हूँ ऐसा लग रहा है। जीते रहो ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है घर पे। प्रणाम, मैं आगे आ गई थी। प्रणाम प्रणाम, तुम बताओ। मैं हम लोग आए 5:30 बजे, जानू नाम छुपा आई। जीते रहना जीते रहना जीते रहना। आ गई नाना जी। हेलो हेलो हेलो, ये मेरा दोस्त सचिन है। प्रणाम, जीते रहना ठीक है। हाँ बढ़िया, हाँ नमस्कार। करो करो काम करो, ये तो मुझे मिले हैं। प्रणाम ऐसे कह रही थी वीडियो बनाने की चक्कर। प्रणाम प्रणाम। सब लोग बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं और मम्मी लोग यहाँ पीछे साइड बना रहे हैं बल रोटियाँ। आग जलाई होगी ना यहाँ। कहाँ है बाबरे इतने पीछे? अच्छा यहाँ चल रहा है इनका, ये चल रहा है इनका। ये तवा बड़ा बढ़िया है यार। वेदू जी आ गई है हेल्पर, सब कर दे, सब परिवार कर दिया, करने दो। कपड़ा है वो देख ही नहीं रहे तेरे को। पहले मैं ही बैठ गई खाने को। वेदू रोटी आएगी। तो दोस्तों हम लोगों का तो खाना वगैरह हो गया है और अभी मम्मी लोगों ने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना खा लिया है, वेदू लोगों ने भी खा लिया है। तो खाना खाते ही मैं आई ऊपर चाचा लोगों के नए कमरे देखने के लिए, मतलब पूरा ही घर नया बनाया है उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे कमरे बना रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सेट कर रखा है सब कुछ। तो अभी खाना वाना खाने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे, जब मम्मी खाना खा लेगी उसके बाद ही चलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा गला अजीब सा हो गया है, दर्द भी हो रही है और बैठ भी जाएगा मुझे लगता है कल तक।
तो अभी आप लोगों को यहाँ से मैं ऊपर वाले मंजिले में आ गई हूँ, दूसरे मंजिले में। तो मैं आपको दिखाती हूँ नीचे जहाँ वो लोग खा रहे हैं और यहाँ से कैसा लग रहा है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ है सब लोग, ये रहे चाचा जो धोती पहन के खाते हैं, और यहाँ पे सब अम्मा लोग खाने में लगे हैं। तो दूसरा कमरा ये है, एक कमरा ये रहा, बहुत ही सुंदर अच्छा बनाया है। चाची आने के बाद तो अपने कमरे को सजाई लेगी, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे ही बगल में बैठक है, ये रहा बैठक वाला रूम, ये भी बहुत अच्छा है, फैला फैला सा, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है एकदम। और अब ज़्यादा तो अच्छे से सुबह को ही दिखाऊंगी, यहाँ से सामने का नज़ारा भी और सब कुछ। ये सामने आम के पेड़, हमारे आम के पेड़ भी घर के बगल में ही आ गए हैं। कुछ मालाएं इन्होंने हमारे आम के पेड़ में भी डाली है, और जितने बार आती रहती हूँ उतनी बार देखती हूँ कि ये वाला आम का पेड़ हमारा बढ़ते रह रहा है। इधर के वाले पेड़ के तो फंगे काट दिए हैं, लेकिन इधर वाला जो पेड़ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इन लोगों ने माला इधर को भी डाल रखी है। ये सीढ़ियाँ यहाँ से इन लोगों ने बना रखी हैं छत में जाने के लिए, जहाँ कल को ही जाया जाएगा। अभी फ़िलहाल अब चलते हैं नीचे को। तुम लोगों के हाथों में खुजली तो बहुत हो रही ना, बार बार लाइट बंद कर दे रहे हो ना बेटो। ये वेदू का शिब्बू नाना जी है, ये शैतान काम दिखाना चाह रही थी कैमरा ही देर में आ गया। रखो रखो।